तब मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा तो मेरे फिफ्टी थाउजेंड हो चुके हैं क्या बात है सर क्या बात है सर क्या क्या बात बात है 50 नहीं, तो आज मैं अपने इंटरनेट कैफे में एक अच्छा सा गेमिंग पीसी बनाऊंगा वो भी ऐसा वैसा गेमिंग पीसी नहीं टेक्नो गेमर्स के गेमिंग पीसी से भी अच्छा चला जाए तो अभी मैं चलता हूँ अपने इंटरनेट कैफे में यानी कि के केपी का कैफे में दिल्ली के चोर मार्केट में जो भी सामान होता है वो यहाँ से सप्लाई होता है कुछ भी अगर मैं यहाँ से लैपटॉप तो दो दिन में खराब हो जाएगा <laughs> तो ये है अपना केपी का कैफे तो चलते हैं मेरे कैफे में और देखते हैं हाल क्या है भाई इतनी गंदगी किसने की है मेरे कैफे में पहले तो मैं अपने कैफे से पूरा कचरा निकालता हूँ तो मैं आपको मिलता हूँ साफ सफाई करने के बाद तो अभी कैफे की साफ सफाई पूरी अच्छे से हो चुकी है यार आपको याद होगा कि मैंने अपने कैफे में पेंट भी करवाया था पर ये पेंट मुझे आज क्यों नहीं दिख रहा है फिर से लगा देंगे पैसों की कमी नहीं है मेरे पास पैसे वाला आदमी पैसा बहुत आ गया मेरे पास तो मैंने अपना शॉप ओपन कर दिया और इतने सारे कस्टमर्स आके बैठ भी गए हैं लोग मर रहे हैं मेरे कैफे में आने के लिए झूठ बोले कौवा काटे देख रहे हो मेरे कैफे को कितने अच्छी रेटिंग्स मिल रहे हैं तो अभी चालू करते हैं अपनी शॉपिंग सस्ते अमेज़ॉन के साथ तो जैमज़ अपना सस्ता अमेज़ॉन है पहले एक अच्छा सा गेमिंग सी मंगा लेता हूँ फिर एक अच्छी सी गेमिंग चेयर मंगवा देता हूँ फिर एक अच्छा सा, अच्छा सा कीबोर्ड फिर एक गेमिंग माउस फिर एक अच्छा सा एमुलेट डिस्प्ले वाला मोनिटर और फिर एक कंप्यूटर टेबल और एक अच्छा सा पोस्टर मेरे पास और फोर्टी थाउजेंड प्लस डॉलर्स बच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक नहीं दो गेमिंग पीसी बनाने चाहिए तो अभी मैंने जो जो मंगाया है वो मैं दोबारा से मंगा देता हूँ भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है अरे कर भाई तो अभी मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया है बस अच्छे से सेट करना है पहले मैं उठा लेता हूँ कंप्यूटर टेबल क्योंकि वही मेन चीज है इतने छोटे बॉक्स में इतनी बड़ी टेबल फिट कैसे होती है कोई सेंस है इस बात की तो मैं ऐसे ये टेबल को रख देता हूँ और ये लग गए एकदम प्रॉपर तो ये है एक अच्छा सा गेमिंग औरतों और एमुलेट डिस्प्ले वाला मॉनिटर ये एक लाख डॉलर का मॉनिटर है पर तेरे पास तो एक लाख डॉलर थे ही नहीं जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे तो ये रखा मैंने अपना मॉनिटर तो ये है अपना एक बेस्ट गेमिंग सीपीयू जो रखूंगा मैं अपने कंप्यूटर टेबल पे मॉनिटर के साइड में तो ये है एक बेस्ट गेमिंग की ये की के बटन दबाने से लाइट भी निकलती है ये रखा मैंने ये कीबोर्ड बोर्ड यहाँ पे और ये है एक बेस्ट गेमिंग माउस और ये रख दिया मैंने की के साइड में अभी बस एक गेमिंग चेयर लगाना बाकी है तो ये लगाई मैंने एक गेमिंग चेयर और यहाँ पे मेरा एक सेटअप कम्पलीट हो चुका है पर एक और सेटअप बाकी है मतलब कि एक और गेमिंग पीसी बनाना है ये लगाई मैंने यहाँ पे एक और टेबल तो अभी मैंने अपने कैफे को पेंट भी कर दिया है वो शायद पी के अंदर गया ना वो बंदा जो दारू पी के आता है वो अंदर है अरे तू पागल है क्या तू रोज क्यों मेरे कैफे में आता है ये तो ये रखा मैंने CPU, तो ये गेमिंग का फर्स्ट कस्टमर आ चुका है और इसे मजा भी आ रहा है खेल के भाई ये मॉनिटर इतना हवा में क्यों उछल रहा है ये रखा मैंने मॉनिटर ओ भाई ये आदमी मुझे पैसे नहीं देके गया है देखो यहाँ पे साइन दिख रही है इसने पैसे नहीं दिए डंडा खाने के बाद बरोबर पैसे निकाले इसने ओ ये भी नहीं दे जा रहा है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार पर तो अभी अपना काम मैंने कंटिन्यू कर दिया और यहां पे मैंने रख दिया है कीबोर्ड और उसके साथ साथ यहाँ पे माउस भी रख दिया है बस अभी यहाँ पर एक गेमिंग चेयर रखनी है और सेटअप हो जाएगा कंप्लीट तो सेटअप हो चुका है कंप्लीट मैंने गेमिंग चेयर भी यहाँ पर रख दिया है ये दोनों गेमिंग पी के बीच में मुझे खाली खाली लग रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पर एक गेमिंग मशीन मंगवानी चाहिए तो अभी मैं सबसे महंगी वाली मशीन मंगवाने वाला हूँ क्योंकि पैसा बहुत है मेरे पास तो मैंने जो गेम मशीन मंगवाई है वो आ चुकी है और इतनी बड़ी मशीन एक छोटे बॉक्स में कैसे फिट हो सकती है ये जेमेजोर वाले करते क्या जो इतने छोटे बॉक्स में इतनी बड़ी मशीन फिट हो जाती है मेरे ख्याल से इनके पास डोरीमन वाली टॉर्च होगी वो टॉर्च से हम किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं मेरे ख्याल से ये फैन को हटा देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ख़राब दिख रहा है वो मैंने एक पोस्टर भी तो मंगाया था वो पोस्टर भी तो यहाँ पर लगाना है तो ये पोस्टर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो अभी मैं एक अच्छा सा एयर कंपाउंड भी मंगवा रहा हूँ और एक पोस्टर मंगवा रहा हूँ भाई मैंने एयर कंपाउंड ब्लैक कलर का मंगवाया है और आया है वाइट कलर का ये जेमेजोर वाले बहुत चूना लगा रहे हैं पर ये एकदम परफेक्ट लग रहा है और ये जो मैंने पोस्टर मंगवाया है ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे तो अभी मैं ये लैपटॉप वाली टेबल को रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि ये टेबल बहुत घटिया लग रही है क्योंकि पैसों की कमी नहीं है ये भी ठीक है मैं अभी एक ऐसी टेबल मंगाऊंगा जिसको देखकर लोग मेरे कैफे में आने को मरेंगे तो अभी ये टेबल आ चुकी है और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये टेबल को देख के लोग आएंगे नहीं भागेंगे तो अभी मैं यहाँ पर लैपटॉप भी रख देता हूँ ये लॉन्डे ने बहुत गेम खेली है गेमिंग पीसी में अगर ये 500 हंड्रेड डॉलर देख किया जाएगा तभी मैं इसको छोड़ दूंगा नहीं तो इसे डंडे से मारूंगा देखते हैं कितने डॉलर्स देता है ओ भाई साहब इसने तो 595 नाइनटी फाइव डॉलर दिए हैं अगर आपको मेरा गेमिंग पीसी अच्छा लगा हो हो तो तो वीडियो को लाइक कर चैनल पे हो, तो कर कर दीजिए 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 चैनल नए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन क्योंकि जैसे ही मैं इंटरनेट कैफे सिम्युलेटर का पार्ट थ्री डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो अभी का अभी जाके देखिए मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा आप वहां से भी देख सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग